एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल अज पंजाब की गल कर लवे तुहाडे नाल ते ये ज़्यादा चंगी रहेगी। पंजाब की राजनीति दे विच किस तरह के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं ते किस तरह के कारोबार कराए जा रहे हैं ते किस तरह कानून एंड व्यवस्था की स्थिति नूं छिके टंग के सरकार चलाई जा रही है। ते जे ये कहा जाए कि ये अज वाली सरकार भी डबल इंजन की सरकार है तो ये इन्हां दे कुछ ना अख्तियार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंजाब के भले लिए कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर किया, अपनी रोटियां सेक लिया। जिहड़े एलीगेशन ये अपने पहलियां सरकारां ते लांदे सी उन्हां दे विच गलतान हो गए ने, ते अज जिहड़ी कशमकश दे विच साडे मानयोग पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने अस्तीफा दिता है अपने परसनल रीजन साइड करके। परसनल रीजन की होंगे मैं दस दिना तुहानू। परसनल रीजन वह होंगे है सरकार के इशारे ते नचना ते अपनी इज्जत नू आप बचा के घरों भजना, ये चीज़ होंगी है। उस तरह जिमें किसी की सरकारी मुलाजम की जीड़ी है ट्रांसफर कर दिती जाती है या उन्हों डिसमिस किया जाता है या उन्हों टर्मीनेट किया जाता है या उन्हों सस्पेंड किया जाता है तो वो की लिखा जाता है द गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ प्लीज टू, हमेशा वो प्लीज़ ही प्लीज़ है, किसी भी तरह वो डिसप्लीज नहीं। जे अपॉइंटमेंट हुई है तभी प्लीज है, जे नहीं अपॉइंटमेंट हुई टर्मीनेशन हो रही है सस्पेंशन हो रही है डिसमिसल हो रही है या किसी भी तरह मुलाजम नाल धक्का हो रहा है तो उहदे विच भी गवर्नर ऑफ पंजाब इज ऑलवेज प्लीज्ड। तो उहदे विच लिखा की जाता खास तौर पर जे ट्रांसफर होंदी है तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनज लिखे जाते हैं प्रबंधकी आधार पर जिन्हों कहा जाता है बी ए नियुक्ति की गई है या पब्लिक पॉलिसी का सहारा ले लिया जाता द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंट्रस्ट। तो पब्लिक इंट्रस्ट नूं वेख्या जाता या नहीं वेख्या जाता इस दा जदों फ्लोर टेस्ट जिहड़ा जुडिशियल प्लेटफॉर्म के उत्ते मानयोग अदालतों के विच हुंदा है तो इस दे उत्ते मंथन पूरा तो प्रॉपर नहीं हुंदा क्योंकि जे इहदी डेफिनेशन जिहड़ी है ले डाउन कर दित्ती जाए मानयोग सुप्रीम कोर्ट वल्लों या हाई कोर्ट वल्लों तो मेरा ख्याल है कई कई मुलाजमान के नाल धक्का होने तो बच जाएगा। अज चंडीगढ़ के मंथन ये है कि डेपुटेशन के उत्ते बंदे आए तो डेपुटेशन के उत्ते ही रिटायर हो गए 25-25 30-35 साल की। क्यों? क्योंकि जोड़ा स्पाउस से उन्होंने IAS ऑफिसर से PCS ऑफिसर से HCS ऑफिसर से सरकारी दरबारे उसकी पहुँच सी। अंग्रेजों के वेले जोड़े सरकारी दरबारे पहुँच वाले से उन्होंने नामकरण सेगा की कहते थे उन्होंने राय साहब राय बहादुर तो होर इस तरह के खिताबों उन्होंने नवाजा जाता सी। तो अज जी सा सरकारी दरबारे वाली पहुँच है वो टाइटल मिल जाता पद्म श्री पद्म विभूषण भारत रत्न अफसोस न कहना पै रहा है। ये मैं नहीं कहता मैं यदि तईद नहीं करता लेकिन लोगों की आवाज़ जी सरकार तक पहुँचा का यतन कर रहा तो किया भी है। अज देखो तुम पंजाब के गवर्नर की रेजिग्नेशन तो बाद सर्कल हवावं चल प कि किरण बेदी नूं जिहड़ी है पंजाब दा गवर्नर ते चंडीगढ़ दा एडमिनिस्ट्रेटर लाया जा रहा है ये वो बीबा है जिन्हों पंजाब दी हो के पंजाब दे लोगां बारे इन्हें गलत कमेंट किए सी ते अज वो माफिया मंगदी फिरदी है। ये रोटियां कारण पूरे ताल दी कैटेगरी च आउंदी है कि नहीं तो करदी है अपने कमाल के नहीं। IPS ऑफिसर रिटायर हो के पेंशन अच्छी ले रही है तो राजनीति के गलियारों के खलो के केजरीवाल के नाल वक्रा BJP ज्वाइन करके तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का इन्हें यतन किया। और ये वो बीबी सी जिहदे बारे मैं भी एक योगदान छोटा जिहा पाया सी कि इस दी वजह करके 1999 दे विच देश भर के वकीलों 8-9 महीने जिहड़ी हड़ताल हुई सी ये बीबी की वजह करके सी। तो हुण इस बीबी ने सोने ते सुहागा पा के वो की पाए सोने ते सुहागा इहदी जिन्नी अकल सी इन्हें उन्नी खलेर दित्ती जिहड़े सिखां बारे इन्हें अनवरंटिड कमेंट्स दित्ते ते अज सोशल मीडिया दे उत्ते इहदियां माफियां आ रही हैं
ये अफसोस का आलम है या नहीं है, ये तुसी देख लो कि एहो जी राजपाल नूं केंद्र सरकार वालों लाना पंजाब दे विच, ये पंजाब दे बुरे दिन आने वाले संकेत ने या चंगे दिन आने वाले संकेत ने या अच्छे दिन आने वाले संकेत ने, ये तुहानूं दस दिता। इस दे विच किसी भी अजे तक पोलिटिकल पार्टी का कोई प्रतिक्रम मेरे तक नहीं पुजा। जे होवे तुसी फीडबैक दे के जरूर इस चैनल की मदद करनी, तो ये जिहड़े भी सज्जन इस नूं देखन उन्हां तक जरूर पहुँचाना। किरण बेदी नूं पंजाब का गवर्नर क्यों लाया जा रहा है, किस वजह करके लाया जा रहा है, की मंशा है इन्हां दी, पंजाब दे विच जिहड़ी शांतमई माहौल है उस नूं भंग करन दी, केजरीवाल नाल सांझ भ्याली पै गई है, भगवंत मान ने इहदे उत्ते क्यों चुप साधी है, अकाली दल ने क्यों चुप साधी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों चुप साधी है, होर ते होर साढ़े सूझवान नेता जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे ने मैं सिख हाँ, किन्हां दा जिक्र कर रहा, बलराम जाखड़ जी दा, उन्होंने पिछले दिन ही बयान दिता है कि मैं ज़्यादा चंगा सिख हाँ। चंगी गल है, होना चाहिए, पंजाबी खून है तुहाडे विच, पंजाब दा खाता, पंजाब दा पीता है, पंजाब विच वले हो, घट्टो घट्ट वफादारी ते नभाई है ना बलराम जाखड़ जी। हुण तुसीं बीजेपी दे विच हो ते मेरा ख्याल है कि तुहाडे हत्थ बज गए ने। क्यों बज गए ने, किस वजह करके बज गए ने, अजे तक तुसीं इह स्पष्ट नहीं कीता। किरण बेदी दे उत्ते इन्हां सारियां पार्टियां ने, राजनीतिक पार्टियां ने अजे तक प्रतिक्रम बयान क्यों नहीं दिता कि इहनूं राजपाल लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए। ये तुहाडे तक रख दित्ती है गल, अपने संबंधां दे विच ये देख लो कि ये जिहड़ी नियुक्ति हो रही है किरण बेदी बीबा दी, कि ये तुहाडे हित विच है या नहीं। दो गल्लां तुहानूं चेता दित्तियां 1999 दी, इहदे वजह करके वकीलां दे उत्ते होई हड़ताल, ते फिर इहनूं जिहड़ी फजीहत चलनी पई सिखां नाल कुबोल बोल के, ते इह अज तुहाडी राजपाल बनन जा रही है, चंडीगढ़ दी एडमिनिस्ट्रेटर बनन जा रही है, इहदे बारे मंशा प्रतिक्रम आना चाहिए या नहीं, अपना फीडबैक दे के जरूर इस चीज़ में दस्या जाए। गल् इनिया कुदे नाल करदा, सत श्री अकाल। एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी ने ये यूट्यूब चैनल की भेट पा दी है तुहाडे लई, पंजाब दे हित लई, पंजाब दे लोगां लई, कि इहदे विच गुझे छिपे इरादे जिहड़े ने उन्हां बारे एक प्लेटफॉर्म बन के खुली चर्चा विचार विचा हो जाए, ते कोई माड़ी गल नहीं।